हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, उसके ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू बदलेगा नहीं, ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू नहीं बदलेगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), यहाँ पर हम x के जगह पर कोई भी वैल्यू को हम पुट करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है और उस फंक्शन का वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रहा है किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा। पहली बात, हम लोग जितने भी ग्राफ पढ़ने वाले हैं सब हम लोग रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसका जो डोमेन होगा वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा। क्लियर हो रहा है बात? तो हम लोग इसमें कांस्टेंट फंक्शन का हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, अगर हम x का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। क्लियर हो रहा है बात? तो इसका डोमेन क्या होता है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होता है? रेंज हमेशा एक सिंगलटन सेट होता है और वो क्या है? सी है। देखिए इसका ग्राफ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। देखिए एफ एक्स इक्वल टू सी, मान चलते हैं सी कोई यहां पर वाई पर कोई वैल्यू है सी, तो इसका ग्राफ क्या होता है? ऐसे हो जाता है। क्लियर हो रहा है? ये क्या है यहां पर, ये कौन सा पॉइंट है? जीरो कॉमा सी। तो अगर हम कोई भी वैल्यू को पुट करते हैं, सपोज दैट अगर इस नंबर लाइन पर हम यहां पर कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे जीरो, ये वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इधर वन टू थ्री फोर ये दिया हुआ हो, तो अगर हम यहां पर कोई वैल्यू पुट करते हैं, माइनस टू को लेते हैं, ये आपका अगर सी के बराबर ही जाएगा। माइनस वन को भी पुट करेंगे यहां पर तो आपके सी के बराबर ही जाएगा। यानी कि हम एक्स का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमेशा क्या होगा? आपका सी के बराबर ही जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? देखिए अगर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ हो और ग्राफ की मदद से अगर हमको डोमेन और रेंज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसका आसान तरीका है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका डोमेन और रेंज। देखिए अगर हमको डोमेन निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे और एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि फंक्शन कहां कहां डिफाइंड है। आप देख सकते हैं कि हम इधर से किधर से बढ़े तो फंक्शन यहां से डिफाइंड होना शुरू हो जा रहा है। ये देखिए एरो एरो लगा, इसका मतलब ये फंक्शन इधर कॉन्स्टेंटली रूप से आपका जो है इन्फिनिटिव की तरफ ये बढ़ते जाएगा। इधर किधर बढ़ेगा? माइनस इन्फिनिटिव की तरफ। तो इधर हम चलते गए, ये बढ़ते गया बढ़ते, और इधर भी किधर? प्लस इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ते गए। यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज के लिए हम वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे, वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे और देखेंगे कि फंक्शन कहां से डिफाइंड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इधर कहीं नहीं डिफाइंड, इधर कहीं नहीं, यहां पर सिर्फ ये क्या है? डिफाइंड है। ऊपर भी नहीं डिफाइंड है, नीचे भी नहीं डिफाइंड है, सिर्फ और सिर्फ इस पोजिशन पर डिफाइंड है। यानी कि वाई का वैल्यू क्या होगा? सी होगा। यानी कि इसका रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? सी है, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। आगे चलते हैं अब हम लोग। आइए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम एफ एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स के बराबर ही जाएगा। यानी कि एफ एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स के बराबर ही जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हम एफ ऑफ वन पुट करते हैं तो क्या होगा? वन के बराबर जाएगा। एफ ऑफ टू पुट करते हैं तो क्या होगा? टू के बराबर जाएगा। एफ ऑफ थ्री पुट करते हैं तो क्या आएगा? थ्री के बराबर होगा। एफ ऑफ माइनस वन पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस वन के बराबर होगा। एफ ऑफ माइनस टू पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस टू के बराबर होगा। एफ ऑफ माइनस थ्री पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस थ्री के बराबर होगा। एफ ऑफ माइनस फोर पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस फोर के बराबर होगा। एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है, आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिए ग्राफ बनाते हैं इसका। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए अगर हम वैल्यू पुट करते हैं वन टू थ्री फोर, ठीक है,
आप देख सकते हैं कि अगर हम वन पुट करें तो क्या आ रहा है, वन के बराबर जा रहा है। जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या रहा है, जीरो के बराबर जा रहा है। वन पुट कर रहे हैं तो क्या रहा है, वन के बराबर जा रहा है। टू पुट कर रहे हैं तो क्या रहा है, टू के बराबर जा रहा है। इधर अगर देखें माइनस वन पुट कर रहे हैं तो माइनस वन के बराबर, माइनस टू पुट कर रहे हैं तो माइनस टू के बराबर। यानी कि ये सब आपका जो है एक्स का वैल्यू जो भी हम पुट कर रहे हैं वो आई के बराबर ही जा रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो आपके ओरिजिन से क्या करता है, पास करता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो आपको ओरिजिन से क्या करता है, पास करने का वो काम करता है। तभी ना जाकर अगर वन का वैल्यू पुट करेंगे तो वन के बराबर, टू का वैल्यू पुट करेंगे तो टू के बराबर होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो आपके ओरिजिन से पास होता है। एक और पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ये आपके पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। अब इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम डोमेन और रेंज का बात करते हैं। डोमेन और रेंज के लिए मैंने बताया है हम एक्स एक्सिस की तरफ से बढ़ना शुरू करेंगे, डोमेन के लिए एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। इधर भी ये माइनस इन्फिनिटिव की तरह, ये सॉरी इधर इन्फिनिटिव की तरफ और इधर माइनस इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ते जा रहा है। वाई एक्सिस की तरफ देखें तो इधर देखें नीचे की ओर आपका डिफाइंड होगा फंक्शन, ऊपर की ओर भी चलेंगे तो क्या होगा, डिफाइंड होगा फंक्शन। यानी कि इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा, और बराबर में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या फिर हम इसको ऐसे भी माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।